हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों मेरा नाम है विकास कुमार और आज आप देख रहे हो टेक्निकल जीनियस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, अगर आपका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या करना होता है, आगे हमें क्या करना होता है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और बताने वाला हूं कि अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए कैसे अंडर रिव्यू में भेजते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का जो है आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल बारीकी तरीके से समझाऊंगा। एक एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं, अगर आपका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर कंप्लीट हो गया है तो। तो दोस्तों आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबा दो, ताकि ऐसी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलो दोस्तों हम चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो दोस्तों अब आप देख सकते हो कि हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ गए हैं, और लैपटॉप के स्क्रीन पे आने के बाद हमें क्या करना है, गूगल क्रोम को कर लेना ओपन। जब हम गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं तो हमें अपने यूट्यूब चैनल को खोलना है। तो दोस्तों चलो मैं अपने यूट्यूब चैनल को खोल लेता हूँ। यहाँ से सीधा मैं चला जाता हूँ अपने चैनल के लोगो पे। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है योर चैनल, तो योर चैनल वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करके अपने चैनल के अंदर चला जाऊँगा। तो चलो दोस्तों आप भी योर चैनल वाले ऑप्शन पे चले जाना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कस्टमाइज चैनल, तो हमें क्या करना है, कस्टमाइज चैनल का जो ऑप्शन है इस पर हमें करना है क्लिक। और इस पर क्लिक करने के बाद जो है दोस्तों हमारे पास जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा, अब आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों हमें यहाँ पे आने के बाद हमें क्या करना होगा, इधर जो आप ये राइट साइड में देख रहे हो इस पर आपको क्या करना है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मोनेटाइजेशन का, तो हमें क्या करना है मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और हमें अपने मोनेटाइजेशन के अंदर चले जाना है। दोस्तों जब हम अपने मोनेटाइजेशन के अंदर आते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आता है, जो कि दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो यूट्यूब के तीनों क्राइटेरिया जो है तीनों कम्प्लीट है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन था कि मतलब 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट और 4000 वॉच आवर कंप्लीट अगर होगा तब जाके आपको मोनेटाइजेशन का ऑप्शन यहाँ पे आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे तीनों ग्रीन है, तो इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ गया हमारे पास, जो कि 1000 प्लस सब्सक्राइबर भी हो गए और 4000 वॉच आवर भी कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे अप्लाई नाउ का जो ऑप्शन आ गया है, अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे हमें करना है क्लिक। तो चलो दोस्तों अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद हम अंदर चले जाते हैं, और अंदर जाने के बाद हम देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे कौन कौन से स्टेप यहाँ फॉलो करने हैं। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास तीन ही स्टेप आ गए हैं, और ये तीनों स्टेप जो हमें फॉलो करना होगा। तो दोस्तों हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप जो है दोस्तों ये रिव्यू पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स है, तो इसे हमें क्या करना है स्टार्ट कर देना है। तो सिंपल जब आप इसको स्टार्ट करोगे तो तुरंत ही आपके यहाँ से डन हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ क्लिक करके या नीचे आना है, और नीचे यहाँ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको हमें टिक करना है दोनों को, और उसके बाद हमें क्या करना है एक्सेप्ट टर्म्स कर देना है। तो दोस्तों हम दोनों को यहाँ पे टिक कर दिया है यहाँ पे नीचे हमने, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया एक्सेप्ट टर्म्स का, तो एक्सेप्ट टर्म्स पर हम करते हैं क्लिक। एक्सेप्ट टर्म्स पर क्लिक करने के बाद जो दोस्तों हमें यहाँ पे कुछ सेकेंड के लिए वेट कर लेना है, यहाँ पे कुछ समय लगेगा तो हमें यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद जो दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है डन लिखा हुआ आ जाएगा। तो चलो हम यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप था रिव्यू पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स, ये हमारे यहाँ से डन हो गया है, ठीक है। अब हम दूसरे स्टेप पे आते हैं, और दूसरे स्टेप पे कह रहा है दोस्तों साइन अप फॉर गूगल एडसेंस, तो हमें गूगल एडसेंस के लिए यहाँ पे साइन अप करना है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम अंदर चले जाते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ पे ये कह रहा है कि डू यू हैव एडसेंस अकाउंट, तो आपके पास एडसेंस अकाउंट है। तो दोस्तों अगर आपके पास एडसेंस अकाउंट है ऑलरेडी पहले से ही, तो आपको करना है यहाँ पे क्लिक यस आई हैव एग्जिस्टिंग अकाउंट। अगर आपके पास एडसेंस अकाउंट नहीं है तो आपको नो वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक, और यहाँ से क्रिएट आपका एडसेंस अकाउंट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपके पास है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस आई हैव पर करना है क्लिक। अगर आपके पास नहीं है अकाउंट तो आपको क्या करना है, नो पर क्लिक करना है। तो दोस्तों चलो मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि एडसेंस अकाउंट मेरे पास नहीं है, तो मैं यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, और नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो दोस्तों यहाँ से कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा। तो चलो दोस्तों मैं यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ।
कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो दोस्तों हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप किस जीमेल आईडी से अपना एडसेंस अकाउंट बनाना चाहते हो। तो दोस्तों मैं तो कहूँगा कि आप कोई न्यू जीमेल अकाउंट बनाओ और उस पर ही एडसेंस बनाओ। तो दोस्तों मैं कोई भी जीमेल आईडी यहाँ से अपना ले सकते हो आप, जिस पे आप एडसेंस अकाउंट बनाना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये कह रहा है योर वेबसाइट। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपके यूट्यूब चैनल के लिए आपको एडसेंस अकाउंट बनाना है। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल का जो है लिंक वो आपको वहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों हम चले जाते हैं अपने यूट्यूब चैनल में, और यूट्यूब चैनल में जाने के बाद जो दोस्तों अपने चैनल का हम लिंक यहाँ से निकाल लेते हैं। तो दोस्तों योर चैनल पर जाना है आपको, योर चैनल पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको लिंक कॉपी करना है यहाँ से। तो दोस्तों हमने अपने यूट्यूब चैनल का लिंक यहाँ से कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद हम वापस उसी पेज पर आ जाते हैं और यहाँ पर योर वेबसाइट का जो ऑप्शन है यहाँ पर अपना लिंक पेस्ट कर देते हैं। बट दोस्तों यहाँ पर लिंक जो देखिए आपका पेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे यहाँ पर लिंक जो है यहाँ पर डला हुआ है। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आपका लिंक यहाँ पर डला ना हो तो आप अपने चैनल पर जाके अपना लिंक कॉपी करके यहाँ पर डाल देना। मेरे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिंक ले लिया है। ठीक है, यूट्यूब चैनल का लिंक यहाँ पर ऑटोमेटिकली मैंने ले लिया यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों नीचे एक ऑप्शन आएगा आपको, यहाँ पर लिखा होगा गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस। तो इसमें आपको क्या करना है, यस के ऑप्शन पर हम यहाँ पर टिक करना है आपको। तो यस के ऑप्शन पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद दोस्तों नीचे एक ऑप्शन आता है सिलेक्ट योर कंट्री। तो दोस्तों यहाँ पर अपना कंट्री आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपका कंट्री हो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों मेरा कंट्री इंडिया है, तो मैं इंडिया यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद नीचे ये कह रहा है प्लीज़ रिव्यू एंड एक्सेप्ट आवर टर्म्स एंड कंडीशन। तो दोस्तों आपको टर्म्स एंड कंडीशन आपको पढ़ लेना है, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आपको येस आई हैव रीड पर आपको टिक करना है, और टिक करने के बाद सीधा आपको क्या करना है, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जब दोस्तों आप यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर जब आप क्लिक करते हो, तब दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ सेकेंड लगेगा, कुछ सेकेंड वेट करना होगा। और कुछ सेकेंड वेट करने के बाद जो दोस्तों आपका एडसेंस यहाँ पर खुलने लगेगा, और यहाँ पर एडसेंस हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे हमें ये लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके का इन्फॉर्मेशन आएगा जहाँ पे लिखा होगा कस्टमर इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना कुछ इन्फॉर्मेशन देना होगा। तो आपको आप क्या इन्फॉर्मेशन देना है आपको, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे नाम और एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। तो नाम जो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे डल जाएगा, अगर आप चेंज करना चाहो नाम तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ नीचे का ऑप्शन आता है एड्रेस लाइन। तो एड्रेस लाइन वन जो है दोस्तों यहाँ पे आपको एड्रेस सही तरीके से डाल देना है। एड्रेस ध्यान रखिएगा, एड्रेस बिल्कुल सही तरीके से डालना आधार कार्ड में से देखकर, क्योंकि जब आपका वेरीफाई होगा तो वो आपके एड्रेस पे ही वेरीफाई होगा और आपका पिन जो आएगा वो वहीं पे ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलो हम यहाँ पे अपना एड्रेस भी डाल देते हैं, सिटी और पिन कोड सब यहाँ पे अपना डाल देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कह रहा है फोन नंबर ऑप्शनल है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप फोन नंबर डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, बाकी ऑप्शनल है, कोई इशू नहीं अगर ना डालना चाहो तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ फोन नंबर डालना है तो आप डाल दीजिए। फोन नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये सबमिट का ऑप्शन जो आ रहा है यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। तो चलो दोस्तों हम यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। तो दोस्तों जब हम यहाँ पे सबमिट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ समय के लिए वेट कर लेना है। ठीक है, जब हम यहाँ पे कुछ समय के लिए वेट कर लेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा साइन अप फॉर गूगल एडसेंस के लिए हमने किया है ये जो है इन प्रोग्रेस में चला जाएगा। जब इन प्रोग्रेस में चला जाएगा तो दोस्तों क्या होगा कि 24 घंटे के अंदर जो हमारा ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन प्रोग्रेस में चला गया है, 24 घंटे के अंदर हमारा ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मोनेटाइजेशन के लिए अंडर रिव्यू में कैसे भेजना है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तो फिलहाल देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। अंडर रिव्यू में कैसे भेजना है मोनेटाइजेशन के लिए वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, और उसका वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।